हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो गाइस, सुबह के सुबह का टाइम हो रहा है, नहीं, दोपहर हो चुकी गाइस। दोपहर हो चुकी है और दोपहर का टाइम हो रहा है 1:35। और गाइस, आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि इसने बोला था कि कल नहाएगा और टी शर्ट चेंज कर लेगा, पर ऐसे टी शर्ट चेंज नहीं करी मैंने। इसलिए नहीं करी गाइस क्योंकि कल हो रही ठंड बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहाँ पे, हाँ, कश्मीर में बर्फ़ गिर रही थी, तो वहाँ की ठंडी वादियाँ की हवा लग रही थी, यहाँ पे ठंड हो गई थी कल। और आज गाइस धूप निकल आई, देखो। चिंता नहीं करो गाइस, जल्दी से खाना खा रहा हूँ और तुरंत जा रहा हूँ नहाने के लिए। आज तो नहाएंगे गाइस, शर्त लगा लो, आज नहाएंगे, चिंता नहीं करो। हाँ, आज नहाएंगे। खाना खाने के बाद मस्त मस्त मटर की सब्ज़ी बनाई है, मज़ा आ जाएगी गाइस। और मेरी मम्मी गई हैं, और मम्मी और पापा दोनों गए हैं बैंक, थोड़ा काम था मम्मी को बैंक का, तो वहाँ गए हैं। तो मैं अपना खाना खाता हूँ, जल्दी से नहाता हूँ गाइस, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ गाइस। तो फाइनली मेरे कपड़े चेंज हो गए, मतलब मैंने नहा लिया है। हा। और गाइस अब मैं जा रहा हूँ धूप में बैठने। मैंने पहले पूजा करी, फिर बाद में मैं जा रहा हूँ धूप सेकने, क्योंकि फिर बाद में अगर अपन लोग ऐसा करो ना तो लफड़ा रहता है। लेकिन धूप अब ये हो गया है कि धूप कम हो गई है, पहले अपन लोग की धूप ज़्यादा थी। तो चलो गाइस, जल्दी से थोड़े बाल मेरे अभी बहुत गीले हैं, सुखा लेते हैं। देखो बहुत कम धूप है यार, ऊपर से ठंडक भी आज ज़्यादा है। मेरी कुर्सी यहाँ क्यों रख दिए पेड़, यहाँ पूरी सफाई अच्छा कर दिया, पता है? क्योंकि यहाँ पे पेड़ रखे थे हम लोग के गमले, तो गमलों में जब पानी डालते थे तो पानी नीचे से निकलता था, तो वो नीचे टप टप गिरता था, नीचे गिरता था टप टप टप, तो वहाँ रख दिया है तो वहाँ सही है। लेकिन वहाँ पे भी पानी टप टप गिरता है हम लोग के बेडरूम में, क्योंकि वहाँ सारे गमले रखे हैं और टंकी भी रखी है, और ऊपर से जो टंकी का पानी गिरता है वो भी वहीं गिरता है। बड़ी दिक्कत है, क्या क्या रखे हैं सामान। गंदी और है चेयर। चलो भाई, धूप सेकेंगे मस्त, मज़ा आ जाएगी। बहुत भारी है, मतलब इतनी भारी भी नहीं है। अबे अब सेकते हैं मस्त धूप, फिर बाद में आप लोग से मिलते हैं। अलग ही कलर की धूप है यार ये, तो येलो, मतलब येलो कलर की रहती है, इसका कलर थोड़ा अजीब है। कुछ भी बोलता रहता हूँ मैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। साइड में गाड़ी आ रही, साइड हो जाओ। भैया बाय। कौन के साथ जा रहे? कौन के साथ? अकेले हैं? अकेले? अच्छा दद्दी। क्या गद्दी? गद्दी? अच्छा दद्दी, हमने सुनाई दिया गद्दी। कोई परेशान करे तो हमें बताना, ठीक है? हमने उससे कहा था कि हमारे भैया दूर है तुम्हें, लेकिन फिर भी परेशान किया। ठीक, हाँ ठीक है। बाय भैया। गाइस, तो फाइनली मेरे बाल सूख चुके हैं, और गाइस मैंने चेयर वापस उसकी जगह पर रख दी है, क्योंकि दादी बोल रही थी कि उसकी जगह पर रख देना जहाँ से तुमने चेयर उठाई है। वो इसलिए बोल रही थी ऐसा क्योंकि जो चेयर यहाँ रखी रहती है तो धूप पड़ती है तो ख़राब हो जाती है चेयर, प्लास्टिक है, ख़राब होता है धूप में, सड़ जाता है। धूप इतनी ख़तरनाक रहती है जो अपने स्किन को जला देती है, तो वो प्लास्टिक का क्या हाल करेगी, इसलिए तो मैंने वापस उसकी जगह पर रख दिया है। और मुझे कल बाल कटवाने हैं, इसलिए मैंने मस्त आज बाल धो लिए हैं, और कल बाल कटवाएंगे मस्त, मज़ा आ जाएगी एकदम। हीरो जैसे कर लेंगे बाल, हीरो जैसे कर लेंगे कल, मस्त बाल कटवाएंगे। गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ नाना जी के पास, वो भी पैदल, क्योंकि पापा लेकर गए हैं गाड़ी। मैं उनसे बोलता हूँ अपनी बुलेट लेकर जा, पर मेरी गाड़ी छोड़ते कहाँ है वो। कल मैंने पेट्रोल डलवाया अपने लिए और वो मेरी गाड़ी लेकर भाग गए।
उनने सुबह ब्रेड खा ली तो उनको पेट में गैस बन रही है, तो अब मैं बब्बा जी से गोली ली है हमने बब्बा जी से, तो अब हम जा रहे हैं उनको देने के लिए। बाय। पहले ये भी बोल रही थी हम भी चलेंगे, हमने कहा नहीं आप टाइम लगा दोगी, तो अभी बैठी हैं। चलो भाई चलते हैं। सनातन का तो बस एक ही है सपना, राम राम जपना और भारत देश अपना। चलो चलते हैं अपने मिशन पे। गाइस तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं पैदल पैदल पदयात्रा पे, और गाइस यहां पर नाना जी को एक गोली दे दी है, दो गोली दी थी बब्बा जी ने, तो एक गोली हमने कहा भी थोड़ी देर बाद खाना, देखते हैं असर होता है कि नहीं, है ना। वही असर होगा तो और मंगा लेंगे यही वाली, क्योंकि गोली अपन लोग पहले टेस्ट करना चाहिए। दो गोली दी उनने, कह रहे थे ये से ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे बब्बा जी को है बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो वो खाते रहते हैं। हाँ उनके पास तो एक से बढ़कर एक गोलियां रखी हैं, पता नहीं किस किस एक से बढ़कर एक गोलियां रखते हैं वो अपने पास, डॉक्टर हैं जैसे। तो अब थोड़ी देर बाद अपन नाना जी को दूसरी गोली भी खिलाएंगे। गाइस तो मैं घर आ चुका हूँ, और गाइस मेरे को भूख लगाई, मैंने इतना चल लिया ना तो मेरे को भूख लगाई। मम्मा यहाँ जल्दी आए, जुम हो गया। हाँ फिर से बोलूँगा। गाइस तो मैं घर आ चुका हूँ, और गाइस मेरे को तो भूख लगाई क्योंकि मैंने इतना चल लिया ना, इसलिए तो रखे ना गर्म करके दे दे रहे। क्या वो सब्जी से उगा ली? नहीं वो हमें अच्छी नहीं लगी। क्यों? उसमें अजीब सा वो टेस्ट आ रहा था। मटर की है ना? और नहीं अच्छी लगने लगी। आप तो ओट दे दो। ओट से कौन पेट भरेगा, खाना तो हमको देना ही पड़ेगा फिर से। तो खाना रात को दे देना। अरे बा खाना फिर तुम खाओगे 11-12 बजे रात में जब सोने का टाइम होता है। दे दो। खाने का बना दे रहे। नहीं ओट, हमने देखो दोपहर में बोले थे आपसे, तो आपने बोला दूध पी ले दूध पहले, फिर आपने ओट्स नहीं दिए, भूल गई, इसलिए जल्दी से ओट्स दे दो, आजकल आप भूख जाती हो। हमें भगवत गीता सुनना है कथा। जल्दी बन जाते वो तो फटाफट। गुड गर्ल गुड गर्ल। गाइस तो यहाँ पर मेरे ओट्स आ चुके हैं, ये आखिर मम्मा ने बनाई दिए गाइस ओट्स, तो मस्त इन ओट्स को खाते हैं और अपना पेट भरते हैं, और फिर बाद में क्या कुछ नहीं। मम्मा अपनी ये सुन रही थी श्री भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अब मम्मा सुनेंगी भगवत गीता, हम खाएंगे ओट्स और हम भी थोड़ा देख लेंगे जब तक ओट्स ख़त्म नहीं हो रहे। कोई बात नहीं होता है। वो कह रहे थे भगवान कि हमारी भगवत गीता बीच में से कैसे गई, देख रही थी तो बीच में से कैसे कहीं काम करने, हमारी भगवत गीता देखनी थी, देखो अब। कोई बात नहीं, लगती रहती है ऐसे तो। चलो चुपचाप अपनी भगवत गीता देखो। गाइस तो यहाँ पर मेरे पापा लेकर आए हैं एकदम खतरनाक खतरनाक सब्जियाँ। गाइस सब लोग ने फूल गोभी खाई होगी, पत्ता गोभी खाई होगी, यहाँ पे पापा लाए हैं उसके पापा ब्रोकली, नहीं परदादा, नहीं ये तो जवान है ना, ज़्यादा ही ग्रीन है। बेटा बेटा गाय से बेटा है। और लाए हैं मूली, वो भी दो टांग वाली। दो टांग, इसकी एक टांग तोड़ दूं क्या ना। और ये पता नहीं क्या है, ये वो चुकंदर है। अच्छा हाँ चुकंदर, वो तो पता था गाय, मम्मी से टेस्ट ले रहा था मैं, और मैंने बोला था लौकी, और ये मशरूम, ओ वाओ मशरूम पर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ वाओ क्यों कर रहे हैं? चल इसे कुछ बना दो, मेरे को भूख लगी है। फिर आ गया तू, भूख लगी तो पतले लोगों को ज्यादा भूख लगती है, मोटे लोगों को कम भूख लगती है। हम भी पतले ही हैं। नहीं हो आप पतली, आप मोटी हो, 70 किलो वजन है। हमारा मोह तो है ही, हमारा मोह हमारे पास है, पर 70 किलो हमाओ 70 नहीं आ, तुम्हारो 70 आए। गाइस मम्मा का वजन 70 किलो है, जल्दी से जाके खाना बनाओ इससे मेरा भी 70 हो जाए। गाइस तो यहाँ पर मेरे मस्त आ चुका है खाने, मतलब खाना, कम से कम ब्लॉग तो बन जाना था, फिर बाद में खा लेना। हाँ नहीं तो बीच में टांग अड़ाती हैं।
हाँ तो गाइज मैं बोल रहा था, यहाँ पर बन चुका है मेरा खाना, मम्मी ने मस्त बनाया है गरम गरम मटर और साथ में है पापड़, तो अपन इसको थोड़ा यहाँ रख लेते, नहीं तो फिर अभी और घपला हो जाएगा। बहुत चालाक लोग हैं घर में, ये रख लिया है अपन ने। तो गाइज मैं बोल रहा था कि मैं मस्त खाना खा लेता हूँ, फिर उसको ब्लॉग को एंड कर देता हूँ, नहीं अभी कर देता हूँ। तो गाइज अब इस ब्लॉग को एंड कर दे गाइज, मैं खाना खा लेता हूँ, नहीं तो गाइज अब इस ब्लॉग को एंड करते गाइज। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होता है इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।